ગલવાન બાદ અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચેની અથડામણે ફરી એકવાર બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધારી દીધો છે ત્યારે ચીન વિવાદને લઈને સેના પર રાહુલ ગાંધીના નિવેદનથી વિવાદ ઉભો થયો છે તેમનું કહેવું છે કે જો અમારે જવાનો કો અરુણાચલ પ્રદેશ મે પીટ રહે હૈ જો અમારે જવાનો કો અરુણાચલ પ્રદેશ મે પીટ રહે હૈ મેને કહા હિન્દુસ્તાન કી પ્રેસ મુજસે ઇનકે બારે મે એક સવાલ નહીં પૂછેગી સચ થા સચ થા राहुल गांधी आपेला विवादित निवेदन में भाजपा शर्मजनक छे ये बड़ी स्टेटमेंट जो राहुल गांधी की बड़ी निंदनीय है मुझे अफसोस है कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे इस माफी का स्टेटमेंट देते हैं ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि ना तो वो अपने हिंदुस्तान की फौज को समझते हैं ना हिंदुस्तान की फौज जानते हैं हिंदुस्तान की फौज ने चाइना के छक्के छोड़ाए उस इलाके में और हमने पीट पीट के चाइनीज सोल्जर्स को वहां से भगाया है राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का सैतीस हजार स्क्वायर किलोमीटर गवा दिया चाइना को तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है प्रेम भावना है वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है राहुल गांधी ने बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा कर पीटा इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह ताकि